मेरे पास जो है बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि भाई रूटर एप्लीकेशन के अंदर जो भी हमारा मोबाइल नंबर हमने ऐड किया है ना उसको हम लोग जो है चेंज करना चाहते हैं ठीक है, लेकिन हमारा जो है वो चेंज नहीं हो पा रहा है ठीक है। तो जैसा कि आप लोग यहां पे देख सकते हो मैं अपने रूटर प्रोफाइल के अंदर आ चुका हूँ, तो यहाँ पर जो है मोबाइल नंबर से मैंने इसको साइन अप कर रखा है ठीक है। लेकिन गाइज बहुत सारे लोगों को जो है इसको चेंज करना है क्योंकि भाई उनका जो है इस नंबर से पेटीएम वॉलेट नहीं है, और आपको रूटर एप्लीकेशन का तो पता ही होगा कि भाई जितने भी हमारे इसके अंदर रिडीम्स वगैरह लगाते हैं ठीक है, पेटीएम कैश का या जो भी स्पिन वगैरह निकलता है वो जो है डायरेक्ट हमारे पेटीएम के अंदर पहुंच जाता है ठीक है। ऐसे में जो है बहुत सारे लोग जो है नंबर को चेंज करना चाहते हैं जिससे कि भाई उनके पेटीएम के अंदर जो भी रूटर का रिवार्ड्स है उनको जो है वो ले पाए, लेकिन भाई वो जो है चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे में मेरे पास बहुत सारे लोगों के कॉमेंट भी आ रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक वीडियो बना के बता दिया जाए कि भाई इनको जो है आप कैसे चेंज कर सकते हो या नहीं कर सकते, या जो है कर सकते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं। गाइस आज की वीडियो में मैं जो है आपको एक ट्रिक भी बताने वाला हूं। अगर आप लोगों को जैसा कि पता होगा रूटर एप्लीकेशन पर जो लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते होंगे ठीक है, उनका जितना भी पैसा आता है ना रूटर के लाइव स्ट्रीमिंग से वो भी जो है डायरेक्ट उनके पेटीएम नंबर पे ही आता है ठीक है। लेकिन ऐसे में जो है उनका नंबर तो इन्होंने गलत डाल रखा है ठीक है। आप लोगों को पता होगा शुरू में जो हम रूटर एप्लीकेशन के अंदर नंबर डाल देते हैं वो जो है हमारा चेंज नहीं होता ठीक है। लेकिन भाई पहले जो है एक ट्रिक आई थी जिससे कि हम लोग चेंज कर सकते थे, लेकिन अब जो है 2023 के अंदर हम लोग कैसे चेंज करेंगे वो जो है आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है। तो अगर आप लोग भी रूटर एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट कर लेना, क्योंकि गाइस आपको रूटर से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। और गाइस रूटर एप्लीकेशन के लेटेस्ट और छोटी मोटी अपडेट के लिए आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं 2023 के अंदर हम लोग जो है रूटर एप्लीकेशन का जो भी मोबाइल नंबर है वो चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इसका मैं आपको सिंपल सा जवाब दे दूँ कि भाई 2023 के अंदर तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। लेकिन भाई ये फिर मैंने वीडियो क्यों बनाई है कि भाई नहीं कर सकते तो भाई नहीं कर सकते तो वीडियो क्यों बनाई है? तो गाइस मैंने वीडियो ये इसलिए बनाई है कि भाई आप लोग चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ एक जो है आप लोगों को मैं यहाँ पे टिप्स दे देता हूँ ठीक है। एक जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देता हूँ, जो लोग भी जो है रूटर एप्लीकेशन में नंबर चेंज करना चाहते हैं ना भाई, वो लोग नंबर तो चेंज नहीं कर सकते लेकिन फिर भी अपने जो रिवार्ड्स हैं पेटीएम के जितने भी यहाँ पे रूटर के रिवार्ड्स हैं वो जो है आप लोग ईजिली इसी नंबर पर ले सकते हो। वो कैसे ले सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि आप लोग मान लो रूटर एप्लीकेशन का नंबर तो आप लोगों ने कोई सा दे रखा है ठीक है, एक नंबर आप लोगों ने रूटर एप्लीकेशन में दे रखा है जिसपे कि आप लोगों के सारे रिवॉर्ड्स जाते हैं, लेकिन एक नंबर से आप लोगों ने पेटीएम अकाउंट बना रखा है जिसपे कि भाई रूटर का अकाउंट नहीं है। आपको सिंपल सा क्या करना है, जिस नंबर से भी आप लोगों ने रूटर एप्लीकेशन का जो अकाउंट बना रखा है ना, आपका जो भी पेटीएम नंबर है, जो भी पेटीएम की KYC है दूसरे नंबर पर, उसको सिंपल सा आपको क्या करना है, इसी जो रूटर का नंबर है इसके ऊपर ट्रांसफ़र कर लेना है, क्योंकि भाई KYC ईजिली ट्रांसफ़र हो जाती है और आपका जो है एक दिन के अंदर अंदर आपकी जो KYC है वो उसी नंबर पे ट्रांसफ़र कर दी जाती है ठीक है। लेकिन KYC कैसे ट्रांसफ़र करते हैं, अगर आप लोग उस टॉपिक पे एक वीडियो चाहते हो तो आप लोग मुझे कॉमेंट करके बता देना। अगर ज़्यादा कॉमेंट्स आते हैं तो उस टॉपिक पर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा, क्योंकि भाई इसके अलावा आप लोगों का कोई भी तरीका नहीं है जिससे कि आप लोग पेटीएम के रिवॉर्ड्स वगैरह ले पाओ। अभी आपका रूटर में मोबाइल नंबर है उसी नंबर पे आपको पेटीएम की जो KYC है दूसरे नंबर की इस पर ट्रांसफ़र कर लेनी है ठीक है। वह जो है इजी आपके एक दिन के अंदर अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है ठीक है। बाकी आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहले यहाँ पर क्या होता था, हम लोग जो है रूटर को मेल कर देते थे कि भाई हमारा ये पुराना नंबर है, ये जो है न्यू नंबर है, तो इसको चेंज कर दो, तो वो कर देते थे। लेकिन वो जो ट्रिक है भाई कुछ ही मंथ तक काम की थी, लेकिन अब जो है उसके बाद कोई भी ट्रिक काम नहीं कर रही। आप लोग रूटर एप्लीकेशन के अंदर मोबाइल नंबर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन भाई आप लोग इस ट्रिक की मदद से आप लोग जो है रूटर के जितने भी रिवॉर्ड्स हैं पेटीएम के अंदर आने वाले, जितने भी पेटीएम के अंदर हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं रूटर एप्लीकेशन की, जैसे पेटीएम कैश हो गया, लकी स्पिन हो गया, या जो भी हमारी रूटर चार्जिंग होती है, वो जो है आप लोगों की अगर इसी नंबर पर आप लोगों को लेना है तो भाई आपको सिंपल सा KYC इसी नंबर पर ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी ठीक है। आपको पेटीएम की KYC ईजिली ट्रांसफ़र हो जाएगी, बाकी रूटर एप्लीकेशन में नंबर चेंज करने का कोई भी तरीका नहीं है ठीक है। तो आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जो है अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग इंस्टाग्राम पे हमसे जो है आप लोग DM कर देना, मैं आपको इजीली रिप्लाई दे दूंगा ठीक है। और जो है अगर आप लोगों को पेटीएम KYC की ट्रांसफ़र की जो है वीडियो चाहते हो तो कॉमेंट करके ज़रूर से बता देना।